फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो यार, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए MT15, जो कि यार नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा सेल उसकी हो रही है, और जो भी यंगस्टर हैं हमारे और कॉलेज बॉयज़ हैं, मतलब वो उसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, क्योंकि इस बाइक का जो एवरेज अच्छा है, पावर अच्छी है, और लुक के तो मामले में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है भाई। क्योंकि भाई, इसमें पूरी फीचर के साथ में गाड़ी आती है, पूरी गाड़ी फीचर लोडेड है, और आपको हर एक चीज़ में मिल जाती है। मतलब डुअल डिस्क, डुअल चैनल ABS और USD फोक्स वगैरह बात करें तो आपको सब कुछ मिल जाता है इसमें। और उसका जो फ्रंट लुक है, उसमें आपको मिलता है LED प्रोजेक्टर, तो जो उसका लुक काफ़ी इनहेंस करता है गाड़ी का। तो भाई, बात करें, यामा ने इस कलर का नाम दिया है सियान स्टॉर्म कलर, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जो उसके अलॉय व्हील्स हैं, वो थोड़े से ब्लू कलर में दिए हुए हैं, और वही टच आपको यहाँ मिलता है इसके पैनल्स पे, जो कि इसके टैंक से अटैच है, और पूरा ये फाइबर का मेड है, और एकदम नई वाली यामा MT15 है। देखिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पे E20 की बैजिंग, और यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है ऐसा यामा का। और इसका जो इंजन है, इसकी बात करते हैं तो भाई, ये मिलता है आपको सिंगल सिलेंडर 6 गियर के साथ में, जो कि 155 CC का है। और बात करें पावर की, तो पावर प्रोड्यूस करता है 18.1 PS की, जो कि यार सही है इसके हिसाब से, और गाड़ी के हिसाब से इसका माइलेज भी अच्छा निकलता है। अभी तो गाड़ी नई है तो ये 38 और 40 का माइलेज दे रही है। और बाकी सामने की बात करते हैं, तो सामने आपको मिल जाते हैं LED इंडिकेटर्स, जो कि नई वाली में अपडेट कर दिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। और बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसकी आइस, जो कि भाई ने मॉडिफाइड करवा रखी है, बाकी हमेशा ये जलती रहती हैं, ब्लिंक नहीं करती हैं, और ये भी मॉडिफाइड है। यहाँ मिलता है आपको LED प्रोजेक्टर, इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है, इसके आप साइज़ पर ना जाएँ तो रिस्पॉन्सिव है, रात में काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये। और बाकी आपको यहाँ मिल जाता है इसका USD फोक्स, जो कि गोल्डन कलर के दिए हुए हैं, जो कि और अच्छे लगते हैं, मतलब दिन में इससे गाड़ी की जो विजिबिलिटी है वो और अच्छी बनती है। और यहाँ मिल जाता है आपको उसका डिस्क, बाइबर के कैलिपर्स दिए हुए हैं इसमें, और आपको डुअल चैनल ABS में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है इस बाइक के लिए। और कुछ ऐसा गाड़ी का लुक है पूरा। और यहाँ मिलता है आपको प्लास्टिक का इंजन काउल, जो कि सही है, इस पर आपको मतलब कीचड़ वगैरह इसके इंजन में नहीं जा पाएगा, गाड़ी उससे बची रहेगी, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा ये आपके। और कुछ कोई लुक इससे नहीं एनहांस होता है, बस ठीक ठाक है। और इंजन तो आपको यामा की बैजिंग मिल जाती है मतलब। और ये देखिए इसका अल्मोनियम का रियर, नहीं सॉरी, ये बाइकर का फुटरेस्ट है। और बाकी स्विंगाम की बात करें, स्विंगाम आपको उसमें अल्मोनियम का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब कॉर्नरिंग करते टाइम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये, और आप कहीं पर भी गाड़ी लीन करते हैं तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहेगी उस टाइम पे। और ये देख मिलता है इसका गियर लीवर, इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं जैसा मैंने आपको बताया पहले। और गाड़ी लुक के मामले में काफ़ी आगे निकल चुकी है भाई, मतलब NS वगैरह से काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। और जिनको डाउट था थोड़ा बहुत माइलेज का, या फिर ऑफिस जाना होता है, तो उनके लिए काफ़ी सही है ये, मतलब सिटी में हैंडल करने के लिए गाड़ी बहुत सही है। और बाकी आप देखिए, ये रहा इसका स्प्रॉकेट, और पीछे आपको सिंगल मोनोशॉक मिलता है। और आप देखते हैं इसके रियर सेक्शन में यार, तो रियर में ये रही इसकी टेल लाइट, और थोड़ा सा दूर करके इसके ये निकाला गया है इसका टेल सेक्शन, जो कि देखने में काफ़ी सही लग रहा है। अगर आप चाहें इसमें मॉड्स करना तो उसको आप निकाल सकते हैं, तो गाड़ी का लुक और अच्छा हो जाएगा, बहुत लोग करते हैं ऐसा, इसलिए मैंने कहा। और बाकी यहाँ आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। और जो रियर टायर है फ्रेंड्स, वो मिलता है आपको उसमें 150 सेक्शन का, तो कि काफ़ी सही है यार, मतलब KTMs आपको ऑफर करती हैं 150 सेक्शन, बजाज में तो कोई भी जल्दी गाड़ी में नहीं मिलता है आपको। और आगे आपको मिलता है 110 सेक्शन का टायर, जो कि बहुत सही है, मतलब कीचड़ मड ऐसे एरियाज़ में गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहेगी, कहीं पर भी आप मोड़ सकते हैं टेंशन फ्री होके। तो कुछ ऐसा है गाड़ी का लुक्स। और बात करें गाड़ी की कम्फर्ट की, तो थोड़ा आप इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बैठते हो, मतलब सिटी में गाड़ी मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कहीं भी आपको कट मारना है या फिर इंस्टेंट पिकअप चाहिए तो आपको ज़रूर मिल जाएगा इसमें, अगर आप डबलिंग पे नहीं चलते हो तो। अभी आपको कुछ ऐसी मिलती है इसमें, वही नॉर्मल की है मतलब, और इसी की यहाँ पे लगती है, और ऐसे यहाँ पर स्विच मिल जाते हैं आपको इसके, यही आपका हाई बीम का है, उसी में आपका पास दिया हुआ है,
ये हॉर्न का स्विच, नॉर्मल सा हॉर्न मिलता है इसमें, और ये इसके इंडिकेटर का स्विच दिया हुआ है, और ये सब बाहर से लगे हैं, इसमें ध्यान दीजिए आप। और ये इसका इंजन का टॉप स्विच है, इसका सेल्फ, और कुछ ऐसा आपको उसका वो मिलता है मीटर, जिसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, टैकोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, और बाकी ओडोमीटर तो मिलता ही मिलता है। यहाँ दिखाता है आपका फ्यूल लेवल, और बाकी आपको यहाँ पे ABS की लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे इसका लिमिटर आता है। एक सेकंड मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये इसका लिमिटर है। और बाकी इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लू रैप हो रखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतना ब्लूइश क्यों है, बाकी एकदम प्लेन आता है, वाइट वाइट दिखाई पड़ता है आपको, मतलब नेगेटिव डिस्प्ले है इसका। और अगर बात करें पिलियन राइडर की, तो यार उसको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यार पीछे जो है कोई सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, बट हाँ अगर वो इसको पकड़ के बैठता है, ये ग्रैबलेस दे रखी है नीचे की साइड में, इसको ना ही पकड़ के, क्योंकि प्लास्टिक साइड है, टूट सकता है, तो आप इसको पकड़ के अगर बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से बैठ जाएंगे। और वही बात करें कम्फर्ट की, तो पिलियन के लिए ठीक है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, तो कोई और ख़ास दिक्कत नहीं होगी। तो आप देर नहीं करते फ्रेंड्स, गाड़ी चला के देखते हैं गाड़ी चलने में कैसी है, और दिखाते हैं आपको कितना अच्छा मनूवर होती है बाइक। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक राइड पे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, चला के देखते हैं उसको यार। तो गाड़ी का जो गियर बॉक्स है यार, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है मुझे, मतलब कुछ भी आपको बिल्कुल नहीं लगता यार कि बिल्कुल भी हार्ड चल रही हो बाइक। और गाड़ी का पिकअप बहुत सही है, मतलब सिटी में अगर आपको कहीं पर भी इंस्टेंट पावर की ज़रूरत है, तो आप कहीं भी इसे ले सकते हैं इस गाड़ी से पावर आवर। और गाड़ी काफ़ी स्टेबल चल रही है, इसको आप देख पा रहे होंगे, मैं कहीं पर भी इसे कट्स मार रहा हूँ, मैनूवर कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी यार नेकेड मोटरसाइकिल्स में बहुत कम ऐसी बाइक है जिनकी इतनी बढ़िया कटिंग होती है, और ज़्यादातर आपको KTMs वगैरह में मिल जाएगी कटिंग अच्छी, मगर उनकी जो प्राइसिंग होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए भी लोग MT-15 प्रेफर करते हैं। और बाकी बात करें ज़्यादा पावर की, तो जब गाड़ी आप हाईवे पर लेके जाते हो और आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो इस बाइक में आता है VVA टेक्नोलॉजी, जो जब एक्टिव होता है तो भाई गाड़ी है जो उसके इंजन में CC है उतनी भाग जाती है, मतलब 149-150 ये गाड़ी पकड़ लेती है। और जो यामा R5 V4 में इंजन आता है, वही इंजन उसके अंदर आपको मिलता है, तो इसलिए आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब भरोसा इंजन पर आप कर सकते हो। और बाकी जल्दी लोगों को शिकायत होती नहीं है इस बाइक से। और बात करें यार विंड ब्लास्ट की, तो यार वो तो इस गाड़ी में आपको मिलेगा, क्योंकि भाई नेकेड बाइक है, जो भी नेकेड बाइक लेगा वो इससे जरूर कॉम्प्रोमाइज करेगा। अगर आप भी कोई गाड़ी देख रहे हैं 150 cc के आसपास की, और आपका बजट ठीक ठाक है, तो आप इसको ले सकते हैं। और लेकिन मुझको एक बात लगती है यार कि यार 2 लाख रुपए इस इंजन के लिए थोड़ा सा लगता है मुझे, लेकिन यार वो वर्थ इट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यामा ने इसमें काफ़ी काम किया है, और जो भी पार्ट लगाए हैं प्रीमियम लगाए हैं, अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं, मतलब आपको यूएसबी पोर्ट वगैरह हर एक चीज़ मिल जाती है, कोई भी आपको फीचर की कमी कार बाइक में नहीं मिलने वाली है कि आपको कभी निराश दे बाइक की, यार मेरी बाइक में ये फीचर नहीं है। और बाकी आप देख पा रहे होंगे कि कितना ईजी मैं इसको चला पा रहा हूँ सिटी में। अभी हम लोग डबलिंग पे हैं इस बाइक पे, अब थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी आ गया है, यहाँ पे चेक करेंगे इसके यूएसबी पोर्ट कैसे काम कर रहे हैं। थोड़े बहुत मुझे हार्श लगे, और मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब बाइक ट्रैक पर होती है या फिर आप लीन करते हो बाइक को, तो आगे टायर जो है वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, उसके लिए शायद थोड़ा बहुत हार्ड दिया हुआ है इसका यूएसबी फोक। और बात करें गाड़ी के ब्रेकिंग की, तो रियर वाली भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मगर उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव जो मुझे लगी मुझे वो उसकी फ्रंट वाले ब्रेकिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आप तुरंत ब्रेक मारते हो गाड़ी तुरंत आपको रिस्पॉन्स करेगी। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ हमने पकड़ लिया यार 60 की स्पीड होने वाली है, और हो गई आप मार
तो आपने देखा मतलब गाड़ी तुरंत रिस्पॉन्स करता है इसका एवरेज, तुरंत गाड़ी 60-30 आ गई, बिल्कुल भी टाइम इसने नहीं लिया। और बाकी जो गाड़ी में कमी लगती थी लोगों को यार, इसके LED इंडिकेटर्स नहीं थे, वो कंपनी ने अपडेट कर दिए, तो आपको अब सोचना नहीं पड़ेगा इस बाइक को लेने के लिए कि यार कोई और कमी इस बाइक में रह जाती हो। तो इतना ही कुछ था इस बाइक के बारे में। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।